चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में घंट बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर ईंट पत्थर चलने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी रही। पुलिस द्वारा काफी समझाने के बाद लोगों ने हंगामा बंद किया। दरअसल मुगल सराय कोतवाली इलाके के शाहकुटी में वर्षों पुराना पीपल का पेड़ है, जहां मरण उपरांत लोग वहां घंट बांधने जाते हैं। वर्षों से लोग उसी स्थान पर घंट बांधते आ रहे हैं। वहीं नगर का एक पत्रकार अपने बड़े भाई की मौत होने के बाद उस स्थान पर घंट बांधने के लिए गया हुआ था। इस दौरान कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया और पत्रकार के परिवार को साफ मना कर दिया कि यहां घंट नहीं बांधने दिया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों में तूतू मैमै हुई, बाद में ईंट पत्थर चलने लगे। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी रही। बता दें कि समाज सेवी भागवत नारायण चौरसिया ने नगरपालिका के चेयरमैन संतोष खरवार को कई बार मामले में अवगत कराया था कि घंट बांधने की जगह पर दबंगों द्वारा कब्जा है और घंट ना बांध पाए इसलिए दबंगों ने पीपल का पेड़ भी काट दिया है, पर मामले में अब तक कोई भी सुनवाई नगरपालिका चेयरमैन द्वारा नहीं हुई। आज वही घंट बांधने आए थे तिवारी जी के घर का, रितेश के घर के, तो हम लोग जो है कि भाई नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग का कहना है कि जब सबके लिए बंद हो गया है तो आप लोग भी कहीं देख लीजिए, क्यों लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं फालतू। बस हम लोग का यही कहना है, यही हम लोग का विरोध है। आए थे बांधने, तो क्या हुआ? क्या हुआ, हम लोग नहीं बांधने दे रहे। जेसीबी लेके आ गए हैं, जेसीबी लेकर आए तोड़ने के लिए। बताइए पूजा पाठ होगा कि यहाँ, बताइए यहाँ घंट बनाएगा? इन्हीं लोग का फैमिली को दिक्कत है, इनके बगल में गेट किया लोग गए राम मंदिर, बाल छोड़ देते हैं, गंजी छोड़ देते, इतना इतना दिया छोड़ देते हैं, वही बच्चे लेकर खेलते हैं।